नागपुर में एक डॉक्टर ने इलाज के बाद मरीज से ऑक्सीजन वापस लौटाने को कहा। बात है ना दिलचस्प, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो डॉक्टर को मरीज से ऑक्सीजन वापस लौटाने को कहना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंचम और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बगदरा फार्म्स में। दरअसल इन दिनों देश में ऑक्सीजन के लिए अफरा तफरी मची हुई है। परिस्थितियाँ ये है कि लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं और ख़ास तौर पर ये समस्या वहाँ ज़्यादा देखी जा रही है जहाँ लोगों ने ऑक्सीजन के प्राकृतिक स्रोत को ज़्यादा नष्ट कर दिया है, यानी कि जहाँ हरियाली कम है। अब नागपुर में ये हुआ कि एक महिला मरीज ने अपने इलाज के लिए आईसीयू में 7 दिन के भीतर 1,44,000 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम किया और जब वह महिला मरीज डिस्चार्ज होकर वापस अपने घर जा रही थी तब डॉक्टर ने उनसे कहा कि आपने अपने इलाज के दौरान 1,44,000 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, अब वापस जाके अपने घर के आसपास 10 पेड़ लगाइए ताकि आपने जो ऑक्सीजन कंज्यूम किया है उसे आप प्रकृति को वापस कर पाएँ। फिर महिला मरीज ने भी संकल्प लिया कि वो पेड़ लगाएंगी और पेड़ों का संरक्षण भी करेगी, पर्यावरण का भी संरक्षण करेगी, क्योंकि इलाज के दौरान उन्हें महसूस हो गया कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। साथ ही साथ उन्हें ये भी महसूस हुआ कि प्राकृतिक स्रोत से मिलने वाला ऑक्सीजन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और हमें उसे किस तरह बचा के रखना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। फिर श्वसन विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश स्वर्णकार ने भी पर्यावरण संरक्षण के विषय पर प्रकाश डाला और साथ ही साथ सभी से अपील किया कि वो भी पर्यावरण संरक्षण करें। इसके साथ ही वो अपने सभी मरीजों से भी अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि पर्यावरण में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बना रहे और सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत न पड़े। नागपुर के ये डॉक्टर जो पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय हैं, जिसे हम बगदरा फार्म्स सैल्यूट करते हैं। इसके साथ ही हम सभी को भी अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, जिसके लिए बगदरा फार्म्स भी लगातार प्रयासरत है और पिछले 1 दशक में बगदरा फार्म्स ने 5,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं ताकि हर तरह पर्यावरण में हरियाली फैली रहे और हमें प्राकृतिक स्रोत से ऑक्सीजन मिलती रहे। अगर आप भी प्राकृतिक स्रोत से ऑक्सीजन लेना चाहते हैं तो आज से ही पर्यावरण संरक्षण शुरू कर दें। वीडियो को लाइक करें, अगर आपके मन में कोई विचार है तो नीचे कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो और लाइक करें और इस वीडियो को, इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जागरूक हो सके पर्यावरण संरक्षण के लिए। धन्यवाद।